गढ़वा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक सुपारी किलर व्यक्ति को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी श्रीकांत सुरेश राव खोत्रे ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि जमीन विवाद संबंधी मामले में एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को मारने हेतु सुपारी दी है। सूचना के आलोक में मेराल थाना पुलिस द्वारा तत्परता से उक्त सुपारी किलर गुड्डू अंसारी पिता सुलेमान अंसारी मेराल थाना क्षेत्र के पेंदली गाँव निवासी को मेराल बस स्टैंड से एक बैग के साथ गिरफ्तार कर लिया। थाना लाने के बाद बैग को सर्च किया गया तो उसमें 2315 बोर का पिस्तौल 5 जिंदा गोली 9400 रुपए नगद बरामद किया गया। एसपी ने बताया कि गुड्डू अंसारी पूर्व में भी कई अपराधों में संलिप्त रहा है। वे नक्सल बस डकैती आर्म्स एक्ट तथा अपहरण जैसे संगीन कांडों में जेल जा चुका है। इस मौके पर मुख्यालय डीएसपी के अलावा मेराल थाना प्रभारी योगेंद्र प्रसाद सहित कई अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस के जवान थे। को गुप्त सूचना प्राप्त हुआ था कि जमीन मामले में संबंधित मामले में जमीन का उसमें एक पक्ष के द्वारा दूसरे पक्ष को जान से मारने के लिए सुपारी दी गई थी। इस सूचना के आलोक में मेराल थाना पुलिस की तत्परता से अपराधी ये गुड्डू अंसारी पिता सुलेमान अंसारी मेंदली मेराल थाना का है, इसको गिरफ्तार किया गया और गिरफ्तार किया गया उसमें उसके पास से बरामद 2.315 का पिस्टल 5 राउंड 9400 रुपया और एक बाइक था। और इसका पूर्व से भी इतिहास रहा है, ये नक्सली भी रहा है, बस डकैती भी किया है, आर्म्स एक्ट में जेल भी गया है और फिलहाल अभी जेल से छूटा हुआ था। तो इस सूचना के इस तरह का मैं तुरंत कार्रवाई करते हुए मेराल पुलिस के द्वारा इसको पकड़ा गया। सर कितना हथियार मिला है उसके पास? हाँ, उसके पास 2 हथियार 5 राउंड और 9400 रुपया बरामद हुआ है। वो पिस्टल भी जब उसको पकड़ा गया तो उसमें लोड किया हुआ था